हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन 4 और सेशन का नाम है ड्राइंग एंड मैनेजिंग ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स इन इम्प्रेस। यानी किस तरह से हम लोग ड्राइंग को अप्लाई करेंगे और किस तरह से ग्राफिक्स को हम लोग मैनेज करेंगे इस इम्प्रेस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर है बेसिकली क्लास 9th का यूनिट 3 का 4th सेशन है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी शेप को क्रिएट करेंगे और किस तरह से हम लोग ड्राइंग टूल बार का यूज करेंगे और किस तरह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं और किस तरह से उसे एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है द ड्राइंग टूल बार। यानी जो ड्राइंग टूल बार के बारे में जानेंगे कि ड्राइंग टूल बार कौन कौन से ऐसे ड्राइंग टूल बार हैं जो कि इस सॉफ्टवेयर में ओपन ऑफिस के इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे ये क्या है, एक ड्राइंग टूल है। अगर आपको ड्राइंग टूल फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको पता लगाना है कि इस सॉफ्टवेयर में कहाँ पे रहता है, तो सबसे पहले आप टूल बार व्यू में जाओगे। व्यू मेन्यू में जाके आप टूल बार पर क्लिक करोगे और टूल बार पर जाके आपको ड्राइंग मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरह से जो सैप्स है वो ड्राइंग टूल्स या एडिटिंग टूल्स आपके सामने नज़र आ जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये है हमारा ड्राइंग टूल। जैसे कि इसे सेलेक्ट करते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एरो, रेक्टेंगल, इक्लिप्स, कर्व, टेक्स्ट बॉक्स, कनेक्टर और विजुअल वेरियस टाइप्स ऑफ बेसिक शेप्स। यानी जैसे कि हो गया रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, तो डिफरेंट तरह के शब्द हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। अब बात आती है एडिटिंग टूल्स की। कौन कौन से एडिटिंग टूल्स है हमारे पास, ये है एडिट पॉइंट है, ग्लू पॉइंट, फॉन्ट वर्क, गैलरी, फ्रॉम फाइल, रोटेट, अलाइनमेंट, अरेंज, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एडिटिंग टूल्स हैं जो कि हम एडिटिंग के लिए यूज करते हैं। यानी इसको हम लोग डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें लाइन को ड्रॉ करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, टू ड्रॉ अ लाइन एरो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये टूल बार, ये जो दिख रहा है टूल बार, इसको यूज करेंगे एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अगर हमें रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर रेक्टेंगल टूल दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे जो इसके बाद से हम लोग यहाँ पर ड्रा कर देंगे अपने प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट, टू ड्रा एन इक्लिप्स और सर्कल। अगर हमें इक्लिप्स या सर्कल ड्रा करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है जो शेप्स उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर माउस से राइट बटन क्लिक करके जब प्रेस करके हम लोग खींचेंगे इम्प्रेस पर तो क्या होगा, वो बन जाएगा इक्लिप्स। टू ड्रा ए टेक्स्ट बॉक्स, अगर टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना हो तो हमें टी वाले सेक्शन पर या टी वाले जो दिख रहे हैं यहाँ पर आइकन, वहाँ पर क्लिक करेंगे। टू ऐड अ बेसिक शेप्स, अगर बेसिक शेप्स हमें ऐड करना है तो डिफरेंट तरह के शेप्स हैं यहाँ पर, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। ग्रुपिंग का मतलब सबसे पहले समझते हैं। ग्रुपिंग का मतलब होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, मींस ये आपका डॉक्यूमेंट है, समझ लेते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैंड वाला है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हार्ट है, ठीक है। अगर हम इसको ग्रुप कर देंगे तो जो भी चीज़ें अप्लाई करेंगे तो इन दोनों इमेज पे अप्लाई होगा, ना कि एक पे, ठीक है। चाहे जितने भी इमेज मौजूद हों यहाँ पर, अगर हम एक इमेज पर अप्लाई करते हैं तो वो सारे इमेज पर इफ़ेक्ट अप्लाई होता है, अगर वो ग्रुप हो। अनग्रुप किसे कहते हैं, अनग्रुप हम उसे कहते हैं जब हम लोग वन बाई वन करके किसी ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट डालते हैं या कोई इफेक्ट उस पर हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो वन बाई वन होता है अनग्रुप में। लेकिन ग्रुप में क्या होता है, एक ही आपको एक शेप्स पे या एक ऑब्जेक्ट पे आपने क्या किया, उस पर इफेक्ट डाला या कोई चेंजेस किया तो सारे ऑब्जेक्ट पे चेंजेस होना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्रुपिंग। अ
अब ग्रुपिंग करने के लिए बेसिकली क्या कर सकते हो आप, आप आ सकते हो फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में आने के बाद आपको आना सबसे नीचे ग्रुप, यहां पर ग्रुप दिया है, और ग्रुप के आने के बाद आप या इसको ग्रुप कर सकते हो यहां से। मींस ये जो दोनों इमेज है, अब ये दोनों इमेज एक हो गए, मींस इसका कहने का मतलब है अब जो भी इफेक्ट हम लोग अप्लाई करें तो दोनों इमेज पे अप्लाई होगा। अगर हम बात करते हैं अनग्रुप, तो सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे यहाँ पर और नीचे आ जाएंगे ग्रुप पर, और यहाँ पर आ जाएंगे अनग्रुप पर, ठीक है, सेकेंड वाले ऑप्शन पर अनग्रुप कर देंगे तो ये अलग हो जाएगा। तब हम लोग वन बाय वन करके इसे इफेक्ट डालना पड़ेगा। यहाँ पे भी दे दिया अनग्रुप कैसे कर सकते हो, देखिए फॉर्मेट में यहाँ पे गए हैं, इसके बाद से ग्रुप में और इसके बाद से अनग्रुप यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स, किस तरह से फॉर्मेट करते हैं ग्राफिक ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें कुछ ऐड करना हो, जैसे कि आउटलाइन ऐड करना है किसी ऑब्जेक्ट में, या उसकी साइज स्टाइल चेंज करना है, या उसको कलर, उसका कलर चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट मेन्यू से कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है फॉर्मेट मेन्यू, इसके बाद से यहाँ पर है लाइन और एरिया, ठीक है, दो चीज़ है। यहाँ से लाइन को, लाइन और एरिया का यूज करके हम लोग चेंज कर सकते हैं या फॉर्मेट कर सकते हैं। पहला जो है फॉर्मेटिंग अ लाइन, अगर हमें लाइन को फॉर्मेटिंग करना है तो क्या करेंगे, सिर्फ लाइन को करना है तो हम लोग जाएंगे फॉर्मेट में और इसके बाद सिर्फ लाइन पर क्लिक करेंगे। लाइन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ जो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा लाइन वाले एरिया में। इसके बाद से जो लाइन का स्टाइल है वो डैश रखना चाहते हो या स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो, सीधे रहे। लाइन का जो कलर है किस तरह का होना चाहिए, यहाँ पर ब्लू है तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो आप। विड्थ कितनी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए उस लाइन की, और उस लाइन या एरो की स्टाइल क्या होनी चाहिए, या उस लाइन के कलर क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर्मेटिंग फिल्स, फिल एरिया, अगर फिल एरिया हमें फॉर्मेट करना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है, इसके बाद से कहाँ जाएंगे, यहाँ पे दिया है फॉर्मेट में जाएंगे और इसके बाद हम जाएंगे एरिया में, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ थे फॉर्मेट से एरिया में जाएंगे, इसके बाद से क्या होगा, एरिया में जाते ही हमें दिखेगा कुछ कलर्स, यानी उस ऑब्जेक्ट में अगर कलर फिल करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली आप फिल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, डिफरेंट तरह के कलर से यहाँ चूज कर सकते हो। जैसे कि पहले इमेज जो था ऐसे था, कलर अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है इमेज। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एडेड टू अ ग्राफिक टेक्स्ट या ग्राफिक ऑब्जेक्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एडेड टू अ ग्राफिक ऑब्जेक्ट, यानी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट किस तरह से ग्राफिक ऑब्जेक्ट में हम लोग यूज करेंगे। अगर हमें किसी टेक्स्ट को यूज करना है तो सबसे पहले टी वाले आइकन पर हम लोग क्लिक करेंगे ड्राइंग टूल बार में, या हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट बटन की हम लोग प्रेस करेंगे तो जो लिखने का जो फॉन्ट स्टाइल वगैरह सब सामने आ जाता है, मींस इस तरह से कुछ आ जाएगा आपके सामने। यानी फॉर्मेटिंग स्टाइल जो है, फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हो, स्टाइल शैडोस कर, तो इसके लिए करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, आपको जाना है फॉर्मेट मेन्यू में, इसके पास जाना है कैरेक्टर में, जैसे ही जाएंगे आप उसको एडिट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल है, तो यहाँ पर फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल है, तो यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पर टाइप आप बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, या साइज यहाँ पर आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर इफेक्ट वगैरह डालना है तो इफेक्ट पे आके आप यहाँ पर फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक कर दो, या जिस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। फॉर्मेटिंग कनेक्टर्स, किस तरह से कनेक्टर की फॉर्मेटिंग करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले जान लेते हैं कनेक्टर होता क्या है। समटाइम्स यू नीड टू शो टू कनेक्टेड इमेज ग्राफिक ऑब्जेक्ट, कभी कभार हमें क्या होता है, हमें जरूरत पड़ती है किसी दो इमेज या ग्राफिक को कनेक्टेड हुए दिखाना पड़ता है हमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मैं चाहता हूँ इसे कनेक्ट हो जाए एक दूसरे में, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जाएंगे, ये जो
सैप दिख रहा है कनेक्टर, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके क्या करेंगे हम लोग, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग कर देंगे या सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये कनेक्टेड हो जाएगा। मीन्स दिख रहा है कि जो ये सूरज है या सन है वो इसके थ्रू ऐसा जल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है। तो इस तरह से कनेक्टर दिखाया जाएगा, इसको बोलते हैं कनेक्टर। इमेज स्टाइल्स, अगर इमेज स्टाइल को चेंज करना हो तो किस तरह चेंज करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, जाना है फॉर्मेट मेन्यू में एंड देन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग मेन्यू में जाना है, ऑप्शन पे जाना है और किस उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो डिफरेंट तरह के ऑप्शन आपके पास शो होने लगेगा। जैसे ही शो होने लगेगा तो आप क्या करोगे, कोई भी चूज करके आप इमेज के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस चैप्टर के बारी आते जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काफ़ी आसानी हो सॉल्व करने में। और ये जो सोल्यूशन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रुपिंग मल्टीपल ग्राफिक सब्जेक्ट्स, ये सारे क्या हैं हम सोल्यूशन जिसको आप यूज कर सकते हो। और जो मेन असाइनमेंट है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।